सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर न्यू डे। तो आज हमारे सीरीज का है डे 40। तो आज का अपना टारगेट है 1700 और ऊपर 26 रुपीज है, जो कि 10% बनता है अपना कैपिटल अभी जो कोटेक्स में है उसका। तो डे 1 से डे 13 हमने कंप्लीट किया हमारी सीरीज का, डे अपना 5 कैसे 1 लाख की सीरीज का। तो अभी भी अपने पास 26 दिन अभी भी बाकी है। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियोज नहीं देखे, सबसे पहले जाके वो वाले वीडियोज देखो, वहां से भी काफी कुछ आप लोगों को सीखने मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा जो कैपिटल है लाइव अकाउंट में, तो मैंने उसको टाइप करके रखा है अपना सेकंड एक्सेल शीट में। तो यहाँ पे मेरे को पहला ट्रेड का अमाउंट है 382 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे 382 टाइप करके रखा है। तो इंडिकेटर का हमें यूज करते हैं, आप लोगों को पता ही है। उसके बेस पे हमने अकाउंट को ग्रो किया है स्मॉल अकाउंट से, स्मॉल अमाउंट से। तो यहाँ पे अपने को जो भी सिग्नल मिला अपन उसी बेस पे ट्रेड लेंगे। तो जब तक सिग्नल मिलता है अपन वेट करेंगे और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी यूज करेंगे। देखो यहाँ पे रेड का सिग्नल मिला था, बट ये ग्रीन कैंडल बन चुका है, तो लास्ट के कुछ सेकंड में कैंडल चेंज भी हो गया। देखो फ्लक्चुएशन अभी भी है, तो करते हैं वेट सिग्नल का, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखो जीबीपी यूएसडी के अप डायरेक्शन के लिए अपने को सिग्नल मिल रहा है। तो वहां पे सबसे पहले अपन जाएंगे और वहां पे लेवल चेक करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। तो जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी दोनों के अंदर अप का सिग्नल मिल रहा है, तो सबसे पहले मैं लाइन लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और वहां पे चेक करूंगा कि वहां पे कोई स्ट्रांग लेवल है या नहीं। अगर स्ट्रांग लेवल वहां पे हुआ तो अभी अपन ट्रेड प्लेस करते हैं, अदरवाइज फिर थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है। तो देखो लेवल तो हमने प्लेस कर दिया, अब वेट करना है यहाँ पे सिग्नल लास्ट तक टिकता है या नहीं। अगर सिग्नल टिका तो अपन वहां पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो देखो यूरो यूरो के अंदर भी सिग्नल मिल चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ किसी एक में अच्छा मौका देख के ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, तो आई थिंक जीबीपी में थोड़ा इश्यू कर सकता है, तो अपन यूरो यूएसडी में अब के लिए प्लेस करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट भी प्लेस कर दिया। तो आप चाहो तो थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी के साथ, यानी कि परफेक्ट एंट्री लो, अगर थोड़ा कैंडल डाउन आता है उसके बाद प्लेस किया करो। अगर डोजी कैंडल बन जाए तो आपका उसमें इजिली आईटीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी लेवल लगाया नहीं है, बट यहाँ पे अपन लेवल लगाएंगे ताकि लेवल का थोड़ा बहुत पता चले, उसके बाद अपने को पता चलेगा कि अपना ट्रेड का रिजल्ट क्या रहेगा। तो इसको करेंगे कॉपी और नीचे भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया है या नहीं। ओके, तो देखो मैंने जो ऊपर वाला लेवल लगाया, तो मार्केट को यहाँ तक एक गैप जो छूटा है उसको फिल करने के लिए बॉडी एक स्मॉल बॉडी की ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए। तो अभी वेट करते, अगर ये लॉस गया तो अपन मार्टिंगल का सोचेंगे। तो जैसे मैंने जहाँ पे लेवल लगाया उसी लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि हमारा लेवल परफेक्ट है, तो वहां तक एक स्मॉल बॉडी के साथ कैंडल बननी चाहिए। तो देखते हैं अपना प्रेडिक्शन कैसा रहता है, ठीक है। तो देखो परफेक्ट उसी लेवल पे आने के बाद मार्केट स्टॉप हुआ, यानी कि देखो नॉलेज का पावर प्लस इंडिकेटर का पावर। तो अपन जाते हैं एक्सेल शीट में और यहाँ पे टाइप करेंगे कैपिटल W, यानी कि अपना हो चुका है आईटीएम विन। नेक्स्ट डेट का अमाउंट है 390 रुपीज़, तो 390 टाइप करेंगे यहाँ पे 390 रुपीज़। अभी सिग्नल देखते हैं, सिग्नल वहां पे कुछ मिला है या नहीं। ओके, सिग्नल देखो जीबीपी यूएसडी के अंदर एक बार देख लेते हैं, सॉरी। ओके, जीबीपी यूएसडी में देखो मार्केट काफी ज्यादा डाउन आ चुका है। तो अभी नेक्स्ट अपना फाइंड करते हैं टारगेट, मतलब मार्केट कहाँ तक जाना चाहिए। तो मार्केट का नेक्स्ट अगर टारगेट देखा जाए तो ये अपना ओके, थोड़ा लेवल देख लो। देखो यहाँ से आप लोगों को प्राइस एक्शन भी सीखने को मिलता है, मैं साथ साथ में नॉलेज भी देता हूँ आप लोगों को फ्री में। देखो यहाँ पे एक लेवल है, उसी लेवल पे मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा। तो मैंने यहाँ से अप के लिए प्लेस कर दिया। देखो इस बार ना ही मैंने कोई सिग्नल देखा ना ही कुछ देखा, बस डायरेक्ट मैंने जो लेवल लगाया उसी लेवल के बेस पे मैंने अब के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। देखो कुछ लोग बंदे कमेंट करते हैं और प्राइवेट भी आके बोलते हैं कि भाई सिर्फ इंडिकेटर पे ट्रेड मत करो, हमको कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो अब अपन इंडिकेटर और नॉलेज दोनों के बेस पे ट्रेड किया करेंगे, ताकि सीखने को भी मिले और जिनको इंडिकेटर में इंटरेस्ट है उनको भी इंडिकेटर वाला देखने को मिले। तो ये कैंडल तो मेरे हिसाब से ग्रीन बनना चाहिए, बट अभी वेट करते हैं। देखो अगर लॉस जाता है तो अपन इसमें मार्टिंगल यूज कर लेंगे मार्टिंगल, बट मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगा, क्योंकि अपने आप वहां पे परफेक्ट लेवल था। अगर लॉस गया तो मैं मार्टिंगल लेने वाला हूँ यहाँ पे, तो कैपिटल L टाइप करके रखता हूँ। नेक्स्ट टाइप का अमाउंट है 865 रुपीज़।
तो देखो प्राइज एक्शन का पावर कितना है। देखो लास्ट सेकंड में सही मेरा ट्रेड आईटीएम हो चुका है, तो नॉलेज के बेस पे भी ट्रेड अपन इजीली कर लेते हैं। जो बंदे बोलते थे ना कि भाई नॉलेज पे करो सिर्फ ट्रेडिंग, अपना इंडिकेटर पे विन करते हो, तो देखो नॉलेज पे भी करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है 397 रुपीज, 397। तो यहाँ पे भी एक अप का चांस था, अगर मार्केट थोड़ा और नीचे आता है तो मैं अप के लिए जाने वाला हूँ, तो भी वेट करते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो अच्छी बात है। ओके, मैंने प्लेस कर दिया। देखो जैसे ही मार्केट नीचे आया मैंने प्लेस कर दिया, 29 सेकंड का ट्रेड लगा, यानी कि परफेक्ट लगा। 1 सेकंड भी लेट हो जाता मैं तो ये 1.5 मिनट का ट्रेड हो जाता, और वहाँ पे थोड़ा लॉस का चांसेस था। बट यहाँ पे वेट करेंगे, अगर ये कैंडल रेड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर से मैं मार्टिंगल जा सकता हूँ। बट मेरे हिसाब से इजीली ग्रीन कैंडल में ही कन्वर्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया था अपना, सपोर्ट एरिया पे आने के बाद एक हैमर कैंडल क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल एल टाइप कर देता हूँ, बिकॉज मार्टिंगल लेना है 882 रुपीज का, 882। तो देखो यहाँ पे ओके परफेक्ट। देखो ये इसको इजीली 100% ऊपर ही जाना चाहिए, बिकॉज देखो ना लाइव मार्केट है तो एक एरर देगा कोई इश्यू नहीं, बट नेक्स्ट 10 कैंडल में अपना इजीली विन हो जाएगा। और लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है मैं आप लोगों को साफ साफ यहाँ से दिखाई देता हूँ। ओके, कैंडल आ चुका है काफी ज्यादा डाउन, और सपोर्ट ले रहा है अपना। नेक्स्ट जो टारगेट था मार्केट का उसी लेवल पे आने के बाद अपना सपोर्ट ले रहा है, तो अगर ये भी लॉस जाता है तो अपन नेक्स्ट मार्टिंगल यूज करेंगे 1957 का, 1957। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार मार्टिंगल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से कैंडल को जाना ऊपर ही है। तो मैंने अभी से मैंने प्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे पता है इसका क्लोजिंग यहाँ पे होने वाला है, और जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ। क्लोजिंग इसका हमारे लेवल पे ही हुआ, आप लोगों ने भी देखा। मैंने 3 से या 7 सेकंड समथिंग बाकी था और मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे पता था क्लोजिंग इसका यहाँ पे होने वाला है, बिकॉज मेरा जो लेवल है वो एकदम परफेक्ट लेवल है, मेरा नॉलेज है, मुझे उस पर भरोसा है। तो देखो जैसा मैंने बोला सेम टू सेम वैसा हुआ, तो करते हैं वेट और अपना इजीली ये तो आईटीएम हो जाने वाला है। तो देखो जिसको प्राइज एक्शन की नॉलेज चाहिए, मतलब एक एक कैंडल की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, जिसको परफेक्ट लेवल ड्रॉ करना सीखना है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस में मतलब मास्टर माइंड होना है, वो लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अपना नेक्स्ट बैच ही स्टार्ट होने वाला है, अभी बैच 2 खत्म ही होने वाला है, तो नेक्स्ट बैच जब भी स्टार्ट होगा, अभी इस मंथ स्टार्ट हो जाएगा जो फेब्रुआरी में, तो जिसको भी ज्वाइन होना है मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। मतलब जितना लो आप लोग लॉस करते हो उतनी फीस में आप लाइव क्लासेस मेरे से ले सकते हो, एक बार सीखो और लाइफ टाइम आपको नॉलेज काम ही आने वाला है। तो ये भी अपना हो चुका है आईटीएम यानी कि विन। तो यहाँ पे जाएंगे और टाइप कर देंगे कैपिटल W, नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट है 404 404। ओके 404, तो सिग्नल एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सिग्नल तो कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा वेट करते हैं, अभी सिग्नल पे भी एक आध ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, तब तक के लिए वेट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखो अपना जो ऊपर वाला लेवल है उसको टच करने के लिए मार्केट जा रहा था, बट मार्केट ने उसको टच किया नहीं, तो रिजेक्शन अभी से हो रहा है। अगर इसका क्लोजिंग इसके आसपास होता है GBPUSD में, ये जो अपना बीच वाला लेवल है, तो अपन डाउन के लिए वहां से ओके। चलो ये अपना क्लोजिंग ऊपर दिया, यानी कि अभी भी एक बार ग्रीन कैंडल यहाँ से बनना चाहिए, बट अपन वेट करेंगे। अगर इसका नीचे आता है कैंडल तो मैं अप के लिए भी जा सकता हूँ। ये जो अपना बीच वाला लेवल है उसके नीचे थोड़ा ज्यादा आता है तो मैं अप के लिए प्लेस कर दूंगा यहाँ से, अपने पास अभी भी टाइम है। ओके चलो यहाँ से मैंने अप के लिए प्लेस कर दिया, बिकॉज क्लोजिंग इसका इस लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो देखो इंडिकेटर पे भी मैंने ट्रेड करके दिखा है, और आपको प्राइज एक्शन पे भी ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, और सब कुछ एकदम प्रॉपर समझा भी रहा हूँ किस रीजन से कौन सा कैंडल कहाँ पे जाना है। देखो मैं पहले से सब कुछ यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे भी बोल दिया कि अगर ये थोड़ा नीचे आया तो मैं यहाँ से अप के लिए जा सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 100% चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट अपना सपोर्ट लेगा और क्लोजिंग इसका लेवल के ऊपर देगा, पर अपना होना चाहिए आईटीएम। पर अभी करते वेट, देखो देखते अभी लास्ट के 2 सेकंड बाकी, और ये अपना आईटीएम हो गया जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया, सेम वैसे अपना इजीली विन हो गया। तो यहाँ से जाते कैपिटल W टाइप करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है 412 रुपीज़, ये वाला कैंडल ग्रीन बनना चाहिए,
देखो ये अपना जैसे मेरे पास सपोर्ट लिया तो सपोर्ट लेता है मार्केट, तो कैंडल अपना ग्रीन बनता है। तो जीबी एक बार चेक आउट कर ले, यूरो यूएसडी डाउन बोल रहा है और जीबीपी भी डाउन बोल रहा है, बट एक बार मेरा वहां पे सपोर्ट एरिया है तो मैं, अरे भाई ओके परफेक्ट, मुझे लगा 1.5 मिनट का ट्रेड लग गया, क्योंकि यहाँ पे देखो यूरो यूएसडी में डाउन का सिग्नल मिला है प्रॉपर और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी दिख रहा है। देखो मैं जैसे ही मार्केट को देखता हूँ ना, मेरे लेवल मुझे परफेक्ट दिख ही जाता है, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो लेवल इजीली आइडेंटिफाई में कर लेता हूँ। और मेरे को एंट्री भी परफेक्ट मिला, यानी कि देखो एंट्री मेरा ओके, अगर ये उसको टच करने के लिए ग्रीन बनता है तो मैं डाउन जाऊंगा, बट वेट करते। ओके ओके चलो, ये वाला अपना लॉस गया है तो अपन यहाँ से कवर कर लेते। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है 915, जल्दी से ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा 915। वो जी अपना, और देखो मैंने ट्रेड कहाँ पे प्लेस किया और लगा कहाँ पे, और फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा हाई है उसकी वजह से ट्रेड गलत जगह पे लग गया है, बट कोई इश्यू नहीं, कैंडल अच्छा खासा बनना चाहिए रेड वाला, तो करते हैं वेट, रिजल्ट जो भी है आप लोगों के सामने ही रहता है अपना। तो ट्रेड तो लगा दिया, बस क्लोजिंग इसका आई थिंक वेट करते। यहाँ पे देखो ये लेवल है, अगर देखो बार बार ये दोनों जो कैंडल है, लास्ट वाली दो कैंडल बोल रहा हूँ, दोनों एक ही जगह से रिजेक्ट हुई है, यानी कि ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, तो चांसेस है कि यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए अगर ये कैंडल आए या तो उसकी अगली वाली कैंडल आए। ओके देखो कैंडल बननी चाहिए रेड, बट फिर भी ये ग्रीन ही बनी है, एंट्री मेरा गलत था, कैंडल रेड ही बनी, ठीक है एंट्री अपना गलत था। नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट है 2032, 2032 देखो इसको भी रेड ही बनना है, बट मैं अभी इस बार में अच्छा एंट्री लूंगा, प्रॉपर मैं पॉइंट फाइंड करूँ उसके बाद एंट्री लूंगा, ठीक है थोड़ा वेट करते हैं उसके बाद एंट्री लेते हैं। देखो जैसे मैंने बोला था कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था और मार्केट वहां तक आ रहा है, अगर थोड़ा ऊपर जाता है अभी भी चांस है अपने पास, थोड़ा ऊपर जाता है तो मैं यहाँ से प्लेस कर दूंगा। चलो कोई नहीं, टाइमिंग खत्म हो चुका है, बट जैसा मैंने बोला सेम वैसे हुआ, मार्केट इसी लेवल को टच करके ऊपर गया। देखो यानी कि प्रॉपर अपना सारा लेवल जो भी होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, परफेक्ट रहता है। और वीडियो कितना हुआ, देखो वीडियो 12 मिनट का हो चुका है, और जो लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनको काफ़ी कुछ फ्री में सीखने मिलता है ये मेरे वीडियो से, फिर बट फिर भी वो लोग लाइक या कमेंट कुछ करते ही नहीं, पता नहीं क्या है उन लोगों को, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ फिर भी। ओके हो चुका है ब्रेकआउट को, मार्केट अभी भी और ऊपर जा सकता है। जीबीपी यूएस ओके, यूरो यूएसडी में डाउन के लिए बोल रहा है, थोड़ा लेवल एक बार देखते हैं, लेवल अभी आई थिंक यहाँ पे ओके, चलो यहाँ से डाउन के लिए प्लेस कर दिया, परफेक्ट एंट्री भी लगा, मतलब जहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया उसके ऊपर जब मार्केट गया तब तो एंट्री लगा, यानी कि ठीक है अच्छा खासा एंट्री है, इजीली विन जाना चाहिए इसको। तो नॉलेज और इंडिकेटर दोनों को जब मिलाते हो तो आपका इजीली आईटीएम हो जाता है। देखो यहाँ पे रेड का सिग्नल मिल ही रहा है अपने को, और हमने भी रेड के लिए ही लिया है, प्रॉपर लेवल, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इंडिकेटर और प्रॉपर ऑडियंस सपोर्ट करने वाली है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट। तो देखो अपना 2 विन 2 लॉस, 2 विन 2 लॉस, एक पैटर्न जैसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे देखो अपना जैसे ही विन होगा अपना 5 ट्रेड टोटल आईटीएम हो जाएगा, और अपना जो 10% का टारगेट था वो गेन हो जाएगा। तो ये ओके चलो, ये वाला अपना आइटम हो गया, तो 5 ट्रेड टोटल हमने यहाँ से विन कर लिए। यहाँ पे भी कैपिटल W टाइप कर देते हैं और जाते सेकंड एक्सचेंज पे और इसको कर देते हैं ग्रीन कलर में कन्वर्ट। Day 40 हमारा कंप्लीट किया हमने सक्सेसफुली। ओके चलो ये भी ग्रीन हो गया Day 40। अभी कल आएगा Day 15 वाला वीडियो, तो उसको भी देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। और वीडियो जिसको भी अच्छा लगा है एक अपना यूनिक लाइक दे दो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में, और इतना एक्यूरेसी और इतना परफेक्ट एक्सप्लेन के साथ कोई भी बंदा सीखाता नहीं है, ठीक है। तो जिसको इंडिकेटर चाहिए उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बस आपको कॉन्टैक्ट में करना है, साइन अप करके अपना जो भी अमाउंट है आप डिपोजिट करो, मिनिमम जो भी आप कर सकते हो, और मेरे को स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे सेंड कर दो, तो आपको ये इंडिकेटर बिल्कुल ही फ्री में मिल जाए, आपको भी एक पैसा भी पे करने की जरूरत है नहीं। और इंडिकेटर एक्यूरेसी क्या है पता है, पुराने वीडियोज आप लोग जाके देख सकते हो, आप लोग खुद समझ जाओगे कि किस लेवल का इंडिकेटर है अपना, मतलब बाकी सारे जिन्होंने भी लिया सब लोग प्रॉफिट करते ही है, तो वीडियो को करते हैं एंड
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना जाके। टेक केयर, बाय बाय।